हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चराहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि एवं इसका शुभ मुहूर्त और इसका महत्व बताएंगे। आइए कि जानते हैं, यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में दो बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस बार भौम प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहा जा रहा है, क्योंकि यह मंगल प्रदोष को पड़ रहा है। इस बार यह 4 दिसंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसकी पूजन सामग्री में आपको किस किस चीज की जरूरत होगी? आपको धूप, दीप, घी, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाइयां, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, आरती के लिए थाली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री और आम की लकड़ी, इन सभी चीजों को इकट्ठा करना है। आइए अब जानते हैं कि इसकी व्रत विधि किस प्रकार से है। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्य अस्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकती है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले, कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिलंगवण के जटाजूट धारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद मंगल प्रदोष व्रत भौम प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करें। दोस्तों, ये भौम प्रदोष व्रत की विधि थी। आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। भौम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। सूत जी बोले, अब मैं मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं,
और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संयस नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उनके अलावा मंगलवार को न घर लीपती और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। अतः वे साधु का वेश बनाकर उस वृद्धा के द्वार पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार से वह उनके द्वार पर पुकारते हैं। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार बुढ़िया से संकल्प कराने के बाद, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगोलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगोलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुकी तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देरी थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। बोलो हनुमान जी की जय। तो दोस्तों, ये इसकी व्रत कथा थी जो आज हमने आपको बताई। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। धन्यवाद।